कौन सी मूवी देखनी है? शीला की ढलती जवानी। हाँ हाँ देखती है ना, मैं एक बार अपनी मम्मा से पूछ लेती हूँ, ठीक है? मम्मा मैं ना शाम को मूवी देखने जा रही हूँ, ठीक है ना? अरे नहीं आज नहीं जाना, कल चली जाइयो, आज मेहमान आ रही है घर पे, गेस्ट आ रहे हैं। वाओ गेस्ट आएंगे तो मुझे पैसे तो वो देख के जाएंगे, तो मूवी का जुगाड़ तो इनके पैसे से ही हो जाएगा। वैसे कौन रिश्तेदार आ रहा है? मासी की ननद का बेटा है ना, तो उन लोगों की शादी हुई थी लॉकडाउन में और हम जा नहीं पाए थे क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया नहीं था ना, थोड़े लोगों को बुलाना था इसलिए वो लोग फेरा डालने आ रहे हैं। अब नहीं नहीं आ रही है, इसका मतलब उसको तो सगुन के पैसे देने पड़ेंगे, तो मुझे तो पैसे मिलेंगे नहीं। एक तुम लोगों ने निकलने के बाद फोन किया एकदम से कि हम आ रहे हैं, अब सारी तैयारी फटाफट से करनी पड़ेगी। और तू बैठी क्यों है, उठ और अपना कमरा साफ कर दे, कितना गंदा पड़े, क्या बोलेंगे वो आके। अरे यार मैं नहीं करी अपना रूम साफ, तो अपना घर के मेरे रूम के बाहर बाहर ही रखना, मेरे रूम तक आने ही मत देना आप उसे। और हाँ बाहर से है ना दही लेके आ जा जल्दी से। अरे यार मम्मी मेरा मन नहीं है दही लाने का, वैसे भी मेरे दिमाग की दही हो रखी है। चुप कर बदतमीज इंसान, इंसान को ना कम बोलना चाहिए, आके मेरी हेल्प कर, शर्म तो तूने बेच कर खा ली है ना बिल्कुल भी। जिन रिश्तेदारों ने आपको अपने टॉप गेस्ट की लिस्ट में नहीं रखा, नहीं उन्होंने आपको अपनी शादी में बुलाया, उनके लिए आप मुझसे लड़ रही हो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ मम्मी यार, मुझे ना डांट खाना पसंद नहीं है। अब बड़े नहीं तुम डंगर होगी हो, डंगर कुछ नहीं करते हो, पड़े रहते हो यहाँ पे। अब ऐसा कर चुपचाप घर की रसोई में चल और पानी भर गिलास सेज के अंदर। 2 मिनट में आती हूँ। 2 मिनट तू आ रही है कि मैं आऊ? रुको यार आती हूँ। अरे स्टील के ग्लास में नहीं डालना है, कांच के ग्लास में डालना है पानी। वहां मम्मी अपने घर में कांच के ग्लास थी? हाँ हमने तो कभी नहीं देखा, कहाँ पे है? ये ले तिजोरी, मेरा मतलब है बुक, बेड बुक्स की चाबी, ये ले। बेड बुक्स खोल और उसमें से ना कांच के ग्लास निकाले, और एक भी गिलास टूट गया ना तो तुझे तोड़ दूंगी मैं। ठीक है। और पानी के गिलास का ना ध्यान रखना कि कौन किसका है, उसी में जूस डाल के दे देना सबको, ठीक है? क्यों मम्मी? क्यों क्या बार बार बर्तन धोती रहूं, यही काम थोड़ी है मेरे को। ओके धोती हूं मैं पानी। अरे वाह यार आज तो बहुत ही क्रेजी कर दिया, 6 गिलास पानी के भर दिए मैंने। अरे तीसरे में फिर से बैठ गई। मम्मी यार थक गई मैं पानी भर भर के, पानी भर के थक गई। अच्छा आपने जो समोसे मंगवाए हैं उनमें से 2 समोसे मैं खा लूं? नहीं नहीं हाथ भी नहीं लगाना है, पहले गेस्ट खाएंगे बच जाएंगे तो फिर तुम खा लेना। कम नहीं पड़नी चाहिए गेस्ट को, फिर ये जाके ना बदनामिया करते है बेटा, ये अपनी बदनामिया करती है कि समोसे ही नहीं खिला पाई सही से वो। क्या यार मम्मी, और ये क्या पहन रखा है? अपनी निकर बदल और अच्छे से कपड़े पहन ले, ऐसे अच्छा नहीं लगता उनके सामने। यार सही तो है, कितनी गर्मी है क्यों बदलूं? ना ना चेंज कर तू, ढंग के कपड़े पहन कुछ। अच्छा उनके आने से 5 मिनट पहले कर लूंगी मैं चेंज। और बात सुन, ये जो चादर है ना एसी वाले रूम की, उसके ऊपर है ना मैट बिछा दियो, इनके साथ ना बच्चे आ रहे हैं वो सारी चादर खराब कर देंगे। यार मम्मी आप हर चीज में बहम करते हो, नहीं खराब होगी आपकी बेडशीट? जल्दी कर मैं दूसरी बारी नहीं बोलूंगी, सीधा मेरी चप्पल आएगी। मम्मा ऐसे चप्पल मत उठाया करो, हर बात तो मैं मानती हूँ यार आपकी, थोड़ा ना डर रख लिया करो माँ बाप का, मेहमान आएंगे क्या कहेंगे, कैसे नालायक बच्चे है, माँ बाप की भी नहीं सुन रहे, इधर उधर बिखेर रखा है सारा घर। हद है यार मम्मी, कहीं जाना हो इस घर के लोगों को या फिर किसी लोगों को घर में आना हो, कलेश सबसे पहले शुरू हो जाता है इस घर में। सारे कलेशों की जड़ तुम बच्चे होते हो, आज तक ऐसे निकम्मे बच्चे नहीं देखे मैंने। औरों के बच्चे सारा घर संभाल रहते हैं, सब मैनेज कर लेते हैं, और एक तुम लोगों एक नंबर के ढीठ और ढीठ पड़े हो बस हमेशा बर्स यहीं पे। काम करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। हाँ हाँ एहसान कर रहे हो तुम मेरी मदद करके, मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की।
यार आप ना ऐसा करो, लड़ लो पहले मुझसे आराम से, जितने भी अंदर खुंदस भरी हुई है ना रिश्तेदारों की, वो सारी यहाँ पे निकाल दो मुझ पे। सारा मूड खराब कर दिया यार मम्मी आपने। मूड तो मैं ऑफ कराती हूँ तुम्हारा, जब तक इनको है ना लगेगी नहीं ना दो चार, तब तक हिलते नहीं अपनी जगह से। कर रही हूँ यार मम्मी, सारा काम हो जाएगा, रूम भी साफ कर दूंगी, सब कुछ सेट कर दूंगी और जो भी बाकी काम बचा रहेगा सब कर दूंगी, बस आप चुप हो जाओ। वाह बेटा वाह, हमने तुम्हें बोलना सिखाया था और हमें ही अब तुम चुप करवा रहे हो। बस यही दिन देखना रह गया था, दिमाग खराब कर दिया इस घर के लोगों ने मेरा। और ऊपर से ये रिश्तेदार आने से आधा घंटे पहले कौन बताता है कि जैसे हम वेले ही बैठे हैं ना कि उनकी सेवा करने को। मम्मा बेल बजी, लगता है वो आ गई है, जाओ। हाँ मैं खोलती हूँ, तूने नहीं जाना है। और ये निकर बदल नंगी टांगे लेके रहना, उनके सामने मत आ जाइयो, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। हाँ यार बदल रही हूँ, मैं बदल रही हूँ। नमस्ते जी। आओ जी आओ जी, आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई जी ना आपको? अरे नहीं नहीं क्या दिक्कत क्या खिंचन, जब से आपकी शादी हुई ना तब से हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि गुड्डू तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि अपनी चाची से मिलने की मूवी देखने जा रही थी, बोलती है अपने फ्रेंड को मैंने नहीं जाना, मैं तो न्यू चाची से मिलूंगी। आपने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, हमारा दिल तो बहुत बड़ा है जी। आओ जी आओ जी। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं